भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई व श्रीमती मेघा हजारिका ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है। प्रदेश के राजकोष को लूटने में कांग्रेस के मंत्री और नेता सबसे आगे रहे हैं। इन भ्रष्ट कांग्रेस नेताओं के भ्रष्ट स्वरूप को जनता पहले ही पहचान चुकी है। ऐसी स्थिति में फिर से उनकी सामाजिक छवि धूमिल करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती मेघना ने आरोप लगाया कि कलंग नदी के पुनर्जीवित करने के लिए DPR तैयार करने के लिए लुईस बर्जर को अवैध रूप से प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने 6 करोड़ रुपए दिए हैं और इसमें पर्यावरण वन मंत्री प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। श्रीमती मेघना हजारिका ने आगे कहा कि वह रकीबुल हुसैन को सुरक्षा देने के लिए आज दुर्गादास बोड़ो ने भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाया वह भी निराधार है। वह उद्देश्य वह राजनीति से पूर्ण है।